रिश्ते जन्मजात नहीं होते, वे हमारे स्वयं के बनाए हुए होते हैं। हम उन्हें क्या नाम देना चाहेंगे ये हम पर निर्भर करता है। हम हर मनुष्य में क्या रूप देखते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, प्रेमिका, ये हम पर निर्भर करता है। ऐसी ही आज की मेरी कहानी है, जिसे आप सुनिए और बताइए, क्या सच में भगत सिंह सही कहा करते थे? जी हाँ दोस्तों, मैं रजनी सहानी रेडियो हिंदुस्तान से आपके लिए लेकर आई हूँ आज भगत सिंह की सच्ची कहानी। भगत सिंह की बैरंग की साफ सफाई करने वाले वाल्मीकि समाज एक विशेष व्यक्ति का नाम बोधा था। भगत सिंह उसको बेबे माँ कहकर बुलाते थे। जब कोई उससे पूछता कि भगत सिंह ये भोगा तेरी बेबे कैसे हुआ, तब भगत सिंह कहता, मेरा मलमूत्र या तो मेरी बेबे ने उठाया या इस भले पुरुष भोगे ने। भोगे में अपनी बेबे यानी माँ को देखता हूँ, ये मेरी बेबे ही तो है। यह कहकर भगत सिंह भोगे को अपनी बाहों में भर लेते हैं। भगत सिंह जी अक्सर भोगे को कहते, बेबे मैं तेरे हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। पर भोगा अपनी जाति को याद करके झिझक जाता और कहता, भगत सिंह तू ऊंची जात का सरदार और मैं एक अदना सा भंगी, बक्ता तू रहने दे, जिद ना कर। सरदार भगत सिंह भी अपनी जिद के पक्के थे। फांसी से कुछ दिन पहले जिद करके उन्होंने भोगे को कहा, बेबे अब तो हम चंद दिन के मेहमान हैं, अब तो इच्छा पूरी कर दे। भोगे की आंखों में आंसू बह चले। रोते रोते उसने खुद अपने हाथों से उस वीर शहीद ए आजम के लिए रोटियां बनाई और अपने हाथों से ही खिलाई। भगत सिंह के मुंह में रोटी का ग्रास डालते ही भोगे की जोर से रुलाई फूट पड़ी। ओए भक्ता, ओए मेरा शेरा, धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। भगत सिंह ने भोगे को अपनी बाहों में भर लिया। ऐसी सोच के मालिक थे अपने वीर सरदार भगत सिंह जी। परंतु आज़ादी के 70 साल बाद हम समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव की भावना को दूर करने के लिए वो ना कर पाए जो 88 साल पहले भगत सिंह ने कर दिखाया। तो बात यहाँ पर सिर्फ नज़रिए की है, दिल को जो भा जाए वही रिश्ता अपना है। बने रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ, जल बचाएं सबको सिखाएं। नमस्कार।